हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गुणसूत्री अविकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। जैसा कि आपने कुछ बच्चों में देखा होगा कि वो जन्मजात ही आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि कुछ बच्चे हैं वो मंदबुद्धि होते हैं। ये सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से ही होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगियों के मुंह आंशिक रूप से खुले रहते हैं तथा उनका मानसिक विकास रुक जाता है, अर्थात वह मंदबुद्धि होते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है वह दिखने में मंगोलियाई व्यक्तियों की तरह दिखता है, इसीलिए इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, जिस कारण इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, जिससे इसके कुल गुणसूत्रों की संख्या है वो 47 हो जाती है। दूसरा आता है क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में ही होता है, जिससे ग्रसित पुरुष में महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं, क्योंकि इस विकार में लिंग गुणसूत्र एक्स की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस प्रकार के पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता तथा ये बंधे होते हैं तथा इनके जननांग भी अल्प विकसित होते हैं। फिर तीसरा आता है सुपर फीमेल। यह रोग महिलाओं में होता है तथा इससे ग्रसित महिलाएं बुद्धू या मंदबुद्धि होती हैं। इस रोग में भी लिंग गुणसूत्र एक्स की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। फिर चौथा आता है सुपर मेल। यह रोग केवल पुरुषों में होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति जन्म से ही आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। इस रोग में नर लिंग गुणसूत्र वाई की पुनरावृत्ति होती है, जिससे कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। फिर पांचवा आता है पटाउ सिंड्रोम, जिसमें पॉलीडेक्टाइली के लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि इसमें कटा हुआ तालू तथा हाथ या पैर की छठी उंगली का जो है वो विकास होने लगता है। इस रोग में 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे इसे ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। फिर आता है छठा एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें शिशु का सिर असामान्य रूप से छोटा रह जाता है तथा शारीरिक विकास बहुत कम होता है तथा उनकी आंखों की कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है। इस रोग में 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। फिर आता है सातवां कैटराई सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित शिशु बिल्ली की आवाज़ में रोता है तथा इनकी आयु बहुत कम होती है। इस रोग में 5वें गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाता है। फिर आता है सबसे लास्ट टर्नर सिंड्रोम, जो कि महिलाओं में होता है। इससे ग्रसित महिलाओं में केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि दूसरे एक्स लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात कुल 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और आगे चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ये है साइंटिफैक्ट्स, जहाँ पे आपको साइंस का बेसिक नॉलेज मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।